So hi Varun. Hello Chetna, how are you? I'm good. How are you? Very well, thank you. All good. Digital debut हो रहा है, reunion हो रहा है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं. जरा बताइए क्या क्या हो रहा है. बहुत सारी चीजें हो रही है. डिजिटल डेब्यू हो रहा है. सबसे पहले शो का नाम है हुत्स्पा. ये तो मुझे पता ही नहीं था. हुत्स्पा है. नहीं, अक्सर लोगों को नहीं पता क्योंकि सबको लगता है चुत्स्पा है, लेकिन सी साइलेंट है. अच्छा हुआ जो आपने मुझे पहले बताया. एक्चुअली मुझे भी वही लगा था, ऑनेस्टली बता हाँ जी, मुझे भी वही लगा था पहले. मुझे भी किसी ने करेक्ट ही किया, अच्छा ओके ओके हमारे क्रिएटर्स ने. बट हुत्स्पा है तो बहुत सी चीजें हो रही है. डिजिटल डेब्यू हो रहा है बिल्कुल, और अकेला मेरा ही डिजिटल डेब्यू, बड़े लोगों का इस पर डिजिटल डेब्यू हो रहा है. मृग लांबा जो हमारे निर्देशक हैं फुकरे फ्रेंचाइज के, उन्होंने शो क्रिएट करा है, वो अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं. मैडॉक फिल्म्स, दिनेश विजन जी जिन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्में बनाई हैं अभी तक, वो अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं इस शो के साथ. तो बड़े लोगों का डिजिटल डेब्यू हो रहा है एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग. बहुत सी अलग सा एक कॉन्सेप्ट है, अलग सा आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट है, पाथ ब्रेकिंग है मेरे हिसाब से. एंड वो है, साथ में मनजोत है तो हमारा भी एक रीयूनियन हुआ. ऑल्दो मैंने और मनजोत ने एक साथ शूट नहीं करा है, मैं अपनी स्टोरी शूट कर रहा था, वो अपनी स्टोरी शूट कर रहा था, तो इसीलिए तो आई मीन बहुत सी चीजें हैं, बहुत से करीबी लोग इसमें साथ में इन्वॉल्व होके कुछ अतरंगी एक अलग सी चीज बनाने की कोशिश करी है, जो आई होप लोगों को पसंद है. बिल्कुल बिल्कुल पसंद आएगी. आपके आपका काम तो लोगों को हमेशा वैसे भी बहुत पसंद आता है और बहुत यूनिक वे में पसंद आता है. मतलब आपकी एकदम कितने भी स्टार कास्ट रहे लेकिन आपकी एक अलग पहचान उसमें रहती ही रहती है. लोगों को उम्मीद रहती है कि वरुण शर्मा है तो कुछ नया होगा. ओके मोस्टली लोग जर्नलिस्ट से पूछते हैं कि आपने ट्रेलर देखा कैसा लगा. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस ट्रेलर का रिव्यू करिए मेरे लिए. ट्रेलर बहुत ही कोकी है, आई थिंक बहुत ही ज्यादा कोकी है, और मुझे खुद बहुत लगा. अक्सर काफी लोगों को समझ नहीं आया कि यार ये एग्जैक्टली क्या है, ये शो एग्जैक्टली क्या है. उसका कारण ये भी है क्योंकि इस शो में चार पांच अलग अलग कहानियां हैं, चार पांच अलग अलग किरदारों की जर्नी है जो कि वीडन हुई है एक साथ. और उसका बैकड्रॉप जो है वो पूरा डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट जो आज हमारी रगों में घुस गया है और हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है. उसका निर्धारित उसके अराउंड ये जो किरदार हैं क्या क्या चीजें कर रहे हैं, उस माध्यम को किस तरह से देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वो सब है हुत्स्पा में. एंड मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ट्रेलर. बट द शो इज अ लॉट क्रेजी, इट्स अ लॉट मोर वैकियर, इट्स अ लॉट मोर रिलेटेबल एंड रियल. जब आप देखेंगे आपको समझ आएगा, क्योंकि इसकी जो कहानियां हैं वो अक्सर वो आपकी कहानी हो सकती है, मेरी कहानी हो सकती है, मेरे आसपास के जितने लोग हैं उनकी कहानियां हो सकती हैं. तो जितने भी आसपास के लोग हैं सबकी वो कहानियां हो सकती हैं, तो इसीलिए इसमें रिलेटेबिलिटी बहुत मिलेगी लोगों को. और उस रिलेटेबिलिटी के साथ एक रियलाइजेशन भी होगी कि क्या गलत कर रहे हैं हम या क्या गलत हो सकता है. अच्छा तो स्टार्ट सीन का सीन तो स्टार्ट ऐसे होता है जैसे लगता है कि 100 नंबर डायल करना है, बट डायल कुछ और नंबर करना होता है. सो काफी इंटरेस्टिंग है. एक बार देख के दिमाग में बैठ गए हैं, सीन्स बैठ गए हैं कि ओके क्या क्या है. स्पेशली अब जब आप जैकेट खोल रहे हैं तो पूरा फुल टी शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं. सो काफी इंटरेस्टिंग सीन्स है. बताइए कैसा रहा शूटिंग एक्सपीरियंस आपका. शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत अलग था, बहुत ही ज्यादा अलग था, क्योंकि इसमें आपके साथ को एक्टर्स नहीं थे. मेजॉरिटी ऑफ द शूट जो मैंने किया है, या इनफैक्ट हम सब ने किया है, वो एक स्क्रीन के सामने हमने शूट किया है. क्योंकि पूरा शो इज इनसाइड स्क्रीन्स एंड इनसाइड कंप्यूटर्स एंड ट्रांजिशंस, उसकी उस हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द शो, तो उसका शूट भी वैसे ही किया था. मेरे लिए भी बहुत अलग था, बहुत नया था, क्योंकि मैंने भी निपटा था को एक्टर्स के साथ, एनर्जी फीड ऑफ करके मैंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया, फिर उन्होंने कुछ बोला, मैंने उस तरह से करा. लेकिन इसमें मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा हुआ हूँ और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि तान्या का जो किरदार है वो मेरे से बात करे, लेकिन मुझे जो क्यूज हैं वो मेरे डायरेक्टर दे रहे हैं दूर मॉनिटर पे बैठ के. सो इट हैड टू डू अ लॉट विद इमेजिनेशन एंड हैड टू डू अ लॉट विद द कन्विक्शन ऑफ द डायरेक्टर एंड हाउ ही इज विजुअलाइजिंग इट, हाउ ही इज ट्रीटिंग इट. एंड आई थिंक दे वो टफ होगा ना एज एन एक्टर, बिकॉज़ यू हैव डन लाइक फेस टू फेस एंड
करेक्ट, वो एक आदत की बात है, करा वो आदत इतनी है वैसे करने की, तो ये अलग चैलेंजिंग था। एक दो दिन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, बट देन वी गॉट द ग्रूव ऑफ इट, एंड देन एज एन एक्टर आई गॉट द ग्रूव ऑफ इट, एंड देन विद द ग्रेस ऑफ गॉड चीजें अपने फ्लो होने लगी। बट 100% शुरुआत में तो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक ब्लैंक स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन के सामने आप सिर्फ अपने ही एक्ट कर रहे हो और आप कर रहे हो, एंड तो वो चैलेंजिंग है और मजेदार। ओके, टाइटल के बारे में बताइए। जैसा कि आपने पहले भी मेंशन किया, जब आपके पास ये टाइटल आया तो राइटिंग में जो आपने हुट्सपा की जगह चुट्सपा आपने भी हमारी तरह पढ़ा होगा, क्या रिएक्शन था आपका? और आपको कितने ऐसे मैसेजेस या कॉल्स आए जिसने गलत टाइटल के हिसाब से आपको कॉल्स किए? बहुत 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 कॉल्स आए मुझे। इनफैक्ट अभी हम प्रेस जंक्शन पे जब कर रहे थे तो काफी लोग हैं जिन्होंने टाइटल गलत प्रोनाउंस करा, और उनकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा पहली बारी पढ़ेगा उसको नहीं समझ आएगा कि इसका सी साइलेंट है, क्योंकि एक्चुअली में एक हिब्रू वर्ड है, एक अच्छा हिब्रू का वर्ड है जिसका डेफिनेशन होती है ऑडेसिटी, लेकिन हम इसको ले रहे हैं एज एन एक्सप्रेशन कि कोई भी वैकनेस, क्रेजीनेस, ऑडेसिटी, एक्सट्रीम्स ऑफ एनीथिंग कैन बी कंसिडर्ड अंडर हुट्स्पा। तो इसलिए मेरे लिए भी नया था, और मैंने भी जब सीखा तो मुझे भी बाद में समझ आया कि सी साइलेंट है इसका और इसकी प्रोनाउंसिएशन हुट्स्पा है, तो इसीलिए तो वरना मेरे किरदारों के नाम अतरंगी होते हैं, इस बारी शो का नाम ही अतरंगी था, तो इसलिए किरदार का नाम सिंपल हो गया। That's really nice. अब किरदार के बारे में भी बताइए, क्या है किरदार आपका और कैसे इस बार वरुण को ये पोर्ट्रे करने वाला है, जब आपके फैंस, आपके जो ऑडियंस है स्पेशली आपके लिए जो देखती है, वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ओ, ये वरुण शर्मा थोड़े अलग हैं, इस बार भी अलग है? इसमें इसमें जो इसकी कहानी है वो विकास, जो मेरा किरदार है उसका नाम विकास भल्ला है, विकास की कहानी है। विकास और शिखा का एक लव रिलेशनशिप चल रहा है काफी टाइम से। शिखा जो कि तान्या मलिकतला ने प्ले किया है, जो मेरे लव इंटरेस्ट हैं इसमें, तो तान्या अपना, विकास और शिखा की कहानी है जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब दो लोग साथ में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं तब से लेके लॉन्ग डिस्टेंस में जब वो चले जाते हैं, तब जो उनका रिलेशनशिप में परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, वो क्या क्या होते हैं, जो आपका प्यार सेम है, आपका इमोशन सेम है, आपका आपकी फीलिंग सेम है, लेकिन बिकॉज ऑफ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो किस तरह से सेम कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन बन जाती है, किस तरह से आपकी चीजें और आपका पर्सपेक्टिव और आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, वो इस जर्नी के थ्रू पता लगने को मिलेगा। और इसमें जो विकास का किरदार है वो आपको हंसा रहा है, आपको चेहरे पे स्माइल लेके आएगा, आपको मस्ती कराएगा, लेकिन एट द सेम टाइम इसके आंख में जब ये स्टोरी में आगे जाता है तो एक एकदम अलग शेड देखने को मिलेगा, इसका एक एकदम ही अलग शेड, इसका जो एक फेज है विकास और शिखा का, जो विद टाइम थोड़ा सा चेंज होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, उसका सारा कुछ चेंज करने को मिलेगा, तो वो अलग सी चीजें देखने को मिलेंगी विकास और शिखा की स्टोरी। ओके, वरुण आपको फिल्में करते हैं, इमेजिनेशन होता है, क्या रियलिटी भी थी कि अपना थिएटर्स में रिलीज होते हैं, ढेर सारी ऑडियंस आती है, एक साथ तालियां बजती है, सब कुछ होता है, एंड सडनली डिजिटल पे जाना, थोड़ा आपको अलग लगा एज एन एक्टर? बिल्कुल, आई मीन चेंज है 100%, लेकिन दोनों चीजों का हर एक चार्म है। अब थिएटर में आप 5 घंटे की फिल्म नहीं दिखा सकते जी, लेकिन आप सीरीज 5 घंटे की ब्रेक्स में दिखा सकते हैं, अलग अलग एपिसोड्स में दिखा सकते हैं। तो कुछ कहानियां होती हैं जो 2 घंटे 2 घंटे 10 मिनट 2 घंटे 20 मिनट में इमैल्गेट होके आप बड़े पर्दे पे दिखा सकते हैं, कुछ कहानियां होती हैं जो 7 घंटे के फॉर्मेट में आप डिजिटल में दिखा सकते हैं। सो इट ऑल डिफर्स एट द एंड ऑफ द डे एज एन एक्टर, एज अ मेकर, एज अ टैलेंट, यू वॉन्ट द ऑडियंस टू सी द पार्ट दैट यू डन और टू एक्सपीरियंस द स्टोरी दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे and for them to like it. तो माध्यम कोई भी हो लेकिन उसकी व्यूअरशिप, उसकी ऑडियंस तक वो पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और हम ऑडियंस के लिए ही सारी चीजें बनाते हैं। हम कोई भी फिल्म है, कोई भी सीरीज है, कोई भी एड है, कोई भी टेलीविजन शो, कोई भी मेकर खुद के लिए तो बनाता नहीं है, तो वो सारे ऑडियंस के लिए बनाते हैं। तो माध्यम अलग अलग है लेकिन गोल सभी का एक ही होता है। ओके, इसमें हमने बहुत सारा वीडियो चैटिंग करते हुए आपको देखा, वीडियो कॉल्स पे बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा, रियल लाइफ में कितना टाइम दे पाते हैं? इरिटेशन होता है या यू आर ओके? मैं सच्ची बताऊं, मैं ऐसा इंसान हूं कि मुझे मैं फिजिकली मिलके ज्यादा खुश होता हूं,
मेरे को अगर आप बोलो कि मैं चार दोस्तों को फिजिकली मिलकर उनके साथ चाय पीऊं, गप्पे मारूं, गेम्स खेले, मेरे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा मायने रखता है और ज्यादा दिल के करीब होता है, रादर देन सेम थिंग अपने घर से बैठे बैठे वीडियो कॉल्स पे मैं वो चीज करूँ। मेरे लिए वो फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैं वीडियो कॉल्स पे इतना टाइम नहीं दे पाता और मेरे को लगता है कि यार अच्छा नहीं मैं क्या करूँ। तो वही सारी चीजें जो आई थिंक मेरा किरदार एक्सपीरियंस करता है, वही सारी चीजें मैं रियल लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, तो वो हो ओके, जाता है। बट रियल लाइफ में कभी आपके इस तरह की लव स्टोरी रही है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? कॉलेज टाइम भी होता है, स्कूल टाइम भी होता है, बहुत होता है। मैं अभी की बात, मेरी अभी इस वाला तरह की जी स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी स्कूल टाइम पे एक अफेक्शन थी एक लड़की के साथ, और उस टाइम पे लैंडलाइन फोन हुआ करते थे और हमको घर से परमिशन नहीं होती थी फोन पे बात करने की। तो मेरे मम्मी कसौटी जिंदगी के देखते थे उस टाइम पे, और अच्छा उसके मम्मी भी कसौटी जिंदगी के देखते थे। तो जब कसौटी जिंदगी आता था उस टाइम पे हम फोन पे बात करते थे छुपके, तो हमें एग्जैक्टली पता होता था कौन से मिनट के बाद ब्रेक आएगा। तो जब ओ कसौटी जिंदगी खत्म हुआ तो हमारी लव स्टोरी भी खत्म हो गई। कसौटी जिंदगी की तो काफी सालों तक चला था। तो लव स्टोरी भी काफी सालों तक चली थी यार। इंटरेस्टिंग, तो इसका सीज़न 2 आया, तो कहीं सीज़न 3 नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो तो शादी हो गई है, वो खुश है अपनी जिंदगी में। तो अब मैंने कहा अब कोई बात नहीं है मम्मी, आप बिना ब्रेक के आप आराम से देखो। गॉड, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो ऑलरेडी टीवी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए क्या चल रहा है करियर में? रूही बाकी आपने? विद्युत गॉड सब अच्छा। रूही आई बड़े टाइम के बाद थिएटर्स में, फिल्म हमारी रिलीज हुई रूही, एंड इंडस्ट्री के लिए भी एक एक ब्रीदर था कि इतने टाइम के बाद एक होप मिला। विद द ग्रेस ऑफ गॉड इट गॉट रिसीव्ड वेल, कलेक्शंस वर गुड, पीपल वेंट टू द थिएटर, देन अगेन सेकेंड वेव आई एंड थिएटर्स गॉट शट डाउन। सो आई मीन देयर वाज अ होप, एंड नाउ अगेन आई मीन वेटिंग फॉर थिएटर्स टू काइंड ऑफ गेट बैक इन एक्शन, क्योंकि जो सिनेमा का मैजिक है, जो कम्युनिटी व्यूइंग का मैजिक है, वो आप रिक्रिएट कहीं और नहीं कर सकते, वो वहीं का वहीं है। एंड उसके अलावा अच्छा है अभी तो मार्च में रूही आई थी, अभी जी हुस्ना आ रहा है, फिर अभी अभी वी जस्ट फिनिश वर्किंग ऑन सर्कस, फिर सर्कस, फुकरे 3 वाह इत्यादि में लग जाएंगे। तो रब की मेहर से कर ही जा रहे हैं, मेहनत भागा दौड़ी उसी चीज में, जो चीज ड्राइव करती है, जो फोर्स ड्राइव करती है एक्टिंग करने की, वो ही कर रहे हैं। अभी 2 महीने से नहीं कर पा रहे क्योंकि घर पे बैठे हैं सबकी तरह, और तो इसलिए हम दूसरों की एक्टिंग देख रहे हैं और अपनी स्टडी कर रहे हैं, बाहर की फिल्में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो सब चीजें हो रही है। इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो क्या आजकल क्या फॉलो कर रहे हैं आप? जो आपने बोला घर पे दूसरों की चीजें देखते हैं, अपनी छोड़ के कौन सी मूवीज, कोई शोज वगैरह पर्टिकुलर आप मैं देखते एक्चुअली हैं? सारी पुरानी फिल्म रीवॉच करता हूँ, मुझे पुरानी फिल्म रीवॉच करने में मजा आ रहा है। मैं इनफैक्ट कल ही रात को बैठ के आई थिंक राजनीति देख रहा था कुछ 7वीं 8वीं बार, मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगती है, तो अच्छा वो देख रहा था। एंड देन मुगले आजम अपने मॉम के साथ बैठ के देख रहा था, उनकी वो फेवरेट फिल्म है जो मुगले आजम है, वो देख रहा था। सो ऑल दीज फिल्म आई हैव बीन जस्ट काइंड ऑफ रीवॉचिंग इट। इंटरनेशनल चीजें मैं बहुत देख रहा हूँ, सीरीज में बहुत देख रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट अभी महारानी जो सोनी लिव की एक सीरीज है हाँ वो हाँ अभी हाँ हाँ देखी थी, हुमा की। तो बहुत सारी सीरीज है जो मैं देख रहा हूँ, एंड आई थिंक बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है इवन इन इंडिया। सीरीज वाइज भी मिर्जापुर हो गया, पाताल लोक हो गया, स्कैम हो गया, महारानी हो गया, देयर सच गुड कंटेंट दैट्स काइंड ऑफ कमिंग इन एंड पीपल आर मेकिंग एंड देयर इज एन ऑडियंस फॉर दैट एंड पीपल आर एंजॉयिंग इट। तो ये सारा कुछ बैठ के आई थिंक अभी घर पे देखा जा रहा है, एंड अच्छे खाने खाए जा रहे हैं जो कि दिख ही रहा होगा मेरे चेहरे से, मेरे खाने का तो पता लग ही जाता है। तो वो सब चल रही है और बस मजा आ रहा है। तो सेफ है, वैक्सीन लगा ली है, अब लोगों को अच्छा, कहना है कि प्लीज दोनों सारे डोज हो वैक्सीन। गए आपके? मेरी एक डोज हो गई है, मेरा आई थिंक आज कुछ 77th डे चल रहा है, मेरा जी आज कुछ 77th डे चल रहा है, एंड आई थिंक अनदर 10 डेज में दूसरी डोज हो जाएगी। तो सही ओके, दैट्स ग्रेट। तो लॉकडाउन को आपने कैसे मैनेज किया? डिफिकल्ट था? एंजॉय किया? क्या किया आपने एग्जैक्टली? मैंने बहुत सा टाइम घर पे स्पेंड करा, मैंने अपने मॉम के साथ बहुत टाइम स्पेंड करा, मैंने घर के बहुत काम करे, और हाँ बहुत बहुत जेन्युइनली बहुत काम करे। मैंने अपने मॉम से पेंटिंग सीखी, तो जितना भी अपना, तो मैंने घर की एक्चुअली काफी सारी चीजें करता था मैं। तो मैं अपना खाना बनाना हल्का फुल्का सीखता था, बना नहीं पाया वो अलग बात है, लेकिन वो चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, जस्ट स्पेंडिंग टाइम एट होम, स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली
एंड वॉचिंग स्टफ टुगेदर. बड़े टाइम के बाद हमने सीरीज पे सीरीज और फिल्म पे फिल्म इकट्ठे बैठ के देखी. मेरे मम्मी को रियलिटी शोज बहुत अच्छे लगते हैं. सैटरडे संडे वो एकदम उनका फिक्स होता है एक टाइम के बाद. उस टाइम पे मुझे पता है हमारे घर में सैटरडे संडे को येल्लो दाल चावल ही बनेंगे क्योंकि वो 15-20 मिनट में बन जाते हैं. तो और क्योंकि मम्मी पूरे बिजी होते हैं उस टाइम पे. एंड आई लव ईटिंग माय मदर के हाथ का खाना एंड शी नोज दैट. सो शी ओनली कुक्स फॉर मी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दैट शी डज दैट. तो अच्छा था ओवरऑल. इट वाजंट दैट बैड. इट वाज सिंपल. इट वाज एट होम. इट वाज एट पीस एंड जस्ट डूइंग समथिंग और द अदर. तो जैसा आपने बताया कि आपकी मम्मी को रियलिटी शो बहुत पसंद है, कभी मम्मी की पसंद के लिए आप रियलिटी शो में जाना पसंद करेंगे? बहुत सारे हैं इंक्लूडिंग बिग बॉस और डांसिंग और एनीथिंग एल्स. आई मीन ये तो मुश्किल सवाल है. मैं इनफैक्ट अपने मम्मी को जब भी मेरी कोई भी हम फिल्म जब प्रमोट करते हैं तो मैं हमेशा अपने मॉम को लेके जाता हूँ अपने साथ. बेशक वो कपिल शर्मा हो का शो हो, वो इंडियन आइडल हो, वो सुपर डांसर हो, कोई भी शो हो फॉर दैट मैटर, मैं मॉम को लेके जाता हूँ क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता है वो शोज पे. तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द फिल्म्स, आई थिंक रूही पे जब हम गए थे तब मम्मा नहीं गए थे क्योंकि मम्मा उस टाइम पे वैक्सीनेटेड नहीं थे. तो उस टाइम पे हम नहीं लेके गए थे मॉम को. उसके अलावा आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द टाइम सारे ही शोज जब होते हैं तो मैं उनको लेके जाते ही जाते क्योंकि उनको बड़ा मजा आता है. ओके दैट्स ग्रेट. ये शो मम्मी के साथ देखने वाले हैं साथ में बैठ के? बिल्कुल देख सकता हूँ. मैं वही आपको कह रहा हूँ, मैं ऐसा कभी भी ऐसा कोई चीज नहीं करता या मेरा इंटेंशन हमेशा से ये होता है वो चीज करने का जो मैं अपने मॉम के साथ बैठ के देख सकूं. क्योंकि अगर मैं अपने मॉम के साथ बैठ के कोई चीज नहीं देख सकता तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ किसी इंसान को जो मेरा काम पसंद करते हैं कि वो अपने घर वालों के साथ बैठ के चीज करे. तो इसलिए मेरा हमेशा से ही इंटेंशन ये होता है फैमिली फ्रेंडली चीजें करने का जो कि पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सके, आप अपने घर वालों के साथ बैठ के देख सको. क्योंकि अगर मैं ही नहीं देख सकता वो चीज तो मैं कैसे धड़ल्ले से बोल सकता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के देखें. तो मैं 100% 23rd को अपने मॉम के साथ बैठ के देखूंगा यार. अगर उनको अच्छा लगेगा तो प्यार करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो ऐसे लुक देंगे. क्यों किया क्यों किया ना. ओके जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि 23 जुलाई को हुड्सपा जो शो आ रहा है सोनी देव पे, आप प्लीज देखिए एंड आपको जेन्युइनली बहुत अच्छा लगेगा. ये मेरा मानना है, कुछ अलग हमने ट्राई करा है. रियलिटी को एक पर्दा दिया है, रियलिटी को एक पर्दे पे उतारा है एंड इससे आपको बहुत से अपने झलक या अपने आसपास के लोगों की झलक इसमें देखने को मिलेगी कि हम जो भी ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में चीजें करते हैं. और अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी जानकार उस दिशा में जा रहा है जहां पे उसे नहीं जाना चाहिए इस वेब वर्ल्ड में, तो उसे बिठा के समझाइए, उससे बात कीजिए एंड परिवर्तन जा सकते हैं. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. वी होप कि आपके फैंस आपका हर फिल्मों की तरह ये शो भी देखे. Thank you. बहुत सारी तारीफ करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स.